तो फिर आपने कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक रहा। हाँ, मैं रहा उसमें। तो, जब बोफर्स हुआ तब छोड़ा हमने वीपी सिंह के साथ। बोफर्स के बाद फिर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा आपने, उसमें भी काफी कम वोट आपको मिले, और फिर आपने ये बीजेपी ज्वाइन करी 2004 में। जी, और 2004 में आपने अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा जी, उसमें भी आपकी हार हुई जी। तो ये बीजेपी ज्वाइन जो करना था आपको, कौन ऐसे लीडर थे जिनके आप टच में थे, या आप आइडियोलॉजिकल चेंज चाहते थे? बेसिकली मैं अडवाणी जी के टच में था, पर मुझे आइडियोलॉजिकली प्रभावित करते थे ये क्या नाम अटल जी। अच्छा। और प्रमोद महाजन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनके असर में था। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने फिर 2012 के आसपास में, 2014 में आपने मैनिफेस्टो। तो आप जब गवर्नर बने पहली बार, तो उसमें उस वक्त आप शायद अरुण जेटली के भी क्लोज थे जी। अरुण जेटली से स्टूडेंट लाइफ से हमारी दोस्ती थी। कितना बड़ा हाथ था आपको गवर्नर बनाने में उनका? हाँ, नहीं उनका भी था। डोभाल साहब का नहीं, उनका था गवर्नर बनाने में। राजनाथ जी का जे, उनका था। गडकरी जी का, जेटली जी का, और सबसे ज्यादा ये तो था जो शॉर्ट लिस्ट कराया था इन्होंने मेरा नाम, ये लोग बनेंगे इनमें से। बट फाइनली जो मुझे बनाया वो अमित शाह साहब ने बनाया। अच्छा, अमित शाह साहब ने बनाया।